खुशियों के दिन कितने थोड़े थे। आंखों ने आंखों से क्यों रिश्ते जोड़े थे। आपको माहिन से मिलकर खुशी नहीं हुई? बेटा तुम्हें ऐसी क्या मजबूरी थी माहिन के साथ कि तुमने उससे शादी करने के लिए दो खानदानों की इज्जत मिट्टी में मिला दी? तुम कल ऑफिस से सीधा घर आओगी, किसी पार्टी में नहीं जाओगी, गॉट इट? आपकी अम्मी को खुशी नहीं हुई ना मुझसे मिलकर? सफर करके आई ना, थोड़ी थकी हुई है। आपका लहजा आपके लफ्जों का साथ नहीं दे रहा। हेलो सर, कहाँ हैं आप? आपके बगैर ऑफिस खाली खाली लगता है। जी सर, जी बस मैं आ गई। सीधा मेरे कमरे में आओ, फिर दोनों अच्छी सी चाय पीते। सैरिश, तुम भी ना बहुत इंतजार करवाते हो। सॉरी सॉरी सॉरी, वो एक्चुअली ना मुझे ऑटो नहीं मिल रहा था। एक तो जिस दिन सीएनजी बंद होती है उस दिन ऑटो मिलता ही नहीं। मेरा ड्राइवर तुम्हें पिक एंड ड्रॉप कर दिया करेगा। आपका ड्राइवर? थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो 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 मच। मुझे जो अच्छा लगता है ना, मैं उसकी जिंदगी बदल देता हूँ। हाँ, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही, आपने मेरी जिंदगी बिल्कुल बदल दी। अब मैं हर वक्त सिर्फ आपके बारे में सोचती रहती हूँ। आपकी हर एक बात मेरे जहन में घूमती रहती है। आपके अलावा आप कुछ सोचती ही नहीं। घर बताकर आई हो ना कि हम दोनों आज रात पार्टी पर जा रहे हैं? नहीं, मुझे ना सब मना कर रहे थे, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें जल्दी घर ड्रॉप कर दूंगा। मम्मी क्या बात है, आप सही तरह से खा नहीं रही। बस बेटा मैं इतना ही खाती। आंटी, क्या आपको मेरे हाथ का नाश्ता अच्छा नहीं लगा? वही तो खाया बेटा। क्या आपने खाया है? सिर्फ चखा है। वैसे एक बात है, माहिन जो भी बनाती है बहुत मजे का बनाती है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। ओ, I think my daddy का फोन आ रहा था। तो यही बात कर लेना डैडी से, क्या हो गया? नहीं नहीं, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस करना है। कोई बात नहीं, तुम लोग नाश्ता करो। बहुत प्यार करते हैं मम्मी डैडी एक दूसरे से। अच्छी बात है ना, हम भी करेंगे अगर आप बदले ना तो। और अगर आप बदल गए तो? नाश्ता करें, लेट हो रहे हैं। आज फिर तुम अपसेट लग रही हो, जरूर कोई बात है। बेटा बहू में बिजी है या फिर बहू ही? ऐसी कोई बात नहीं, आप न जाने क्यों खामखा बदगुमान होते रहते। चलो अच्छा, ऐसा कुछ ना हो, बस ऑफिस से निकल रहा था, सोचा फोन कर लूं।
नाश्ता कर लिया आपने? जी कर लिया। खाना वक्त पे खा लीजिए। ओके डोंट वरी। अल्लाह। ओके ओके मम्मी मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि माहीन प्रेग्नेंट है? मैंने आपसे ये कब बोला? क्यों? मैंने बातों बातों में जब भी तुमसे माहीन का पूछा तुमने हमेशा यही बावर कराया कि वो प्रेग्नेंट है। कभी कहते थे डॉक्टर ने सफर करने से मना किया है, कभी माँ के घर गई है, कभी उसकी तबीयत ठीक नहीं, इन सब बातों का क्या मतलब है? लेकिन मम्मी मैंने आपसे ये कब कहा कि माहीन माँ बनने वाली, वो सफर क्यों नहीं कर सकती है आपने अपनी आंखों से देखी। अब इन सब बातों में मैंने झूठ कब बोला? अच्छा एक बात बताओ। जी पूछे। तुमने माहीन को पसंद किया था शादी के लिए या उसने तुम्हें? नहीं, उसने तो शादी से इनकार कर दिया। मैंने उसे शादी के लिए इंसिस्ट किया था, मेरी मोहब्बत ने उसे कायल किया था और वो मान गई। लेकिन आप ये सब बातें क्यों पूछ रही हैं? पता नहीं नदीम, मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे माहीन उन लड़कियों में से एक है जिसने अपनी मोहब्बत के जाल में तुम्हें फंसाया है। For God's sake, प्लीज, ये आप कैसी बातें कह रहे हैं? माहीन तो मुझसे शादी भी नहीं करना चाहती थी, मैंने खुद उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिला के शादी के लिए कायल। तुम्हें माहीन के साथ देख के मुझे नाकाबिले बयान दुख होता है। तुम माँ नहीं इसलिए मेरे दुख को समझ भी नहीं सकते। लेकिन आपको ये देख के खुशी होनी चाहिए कि मैं माहीन के साथ बहुत खुश हूँ। हाँ यही सोच के तो चुप कर जाती, लेकिन जब तुम्हारी डैडी का सोचती हूँ तो परेशान हो जाती। वो पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगी? और मुझे यकीन है मुझसे ये भी पूछेंगे कि माहीन हया से ज्यादा खूबसूरत है या नहीं। खूबसूरत चेहरे खुशी की जमानत नहीं, और वैसे भी माहीन किसी से कम तो नहीं। कम तो नहीं है लेकिन मुकम्मल भी नहीं है। जो भी है लेकिन अब वो मेरी बीवी। तुम्हें देर हो रही है ऑफिस। जी शाम को मुलाकात होती है, अगर हो सके तो कुछ वक्त माहीन के साथ गुजार लीजिएगा। वो कल से तरस रही आपसे बात करेंगे। मकबूल साहब कोई ऐसा बंदा निकालो जो नदीम की कंपनी में काम करता और नदीम के खिलाफ भी हो। लेकिन सर ऐसा कौन सा बंदा हो सकता है जो उसी की कंपनी में काम कर रहा हो और उसके खिलाफ हो? ऐसे मुलाजिम हर कंपनी और हर इदारे में होते हैं, काम तो वो मजबूरी में कर रहे होते हैं, अंदर ही अंदर उनका बस नहीं चल रहा होता। अगर कोई ऐसा बंदा मिल गया तो समझो तुमने नदीम की कंपनी में बम रख दिया, जब चाहे बटन दबा दो। लेकिन सर। लेकिन क्या? हमें अपनी कंपनी की बेहतरी के लिए सोचना चाहिए, ना कि दूसरी कंपनी की बुराई। अगर हम बेहतरी का सोचने बैठ गए तो उसमें सालों लग जाएंगे और उसके बाद भी मालूम नहीं कि क्या हो। अभी हमारे पास चांस है, अगर नदीम की कंपनी डूब जाए तो फिर शहर में सबसे बड़ी कंपनी हमारी हो। मकबूल साहब समझे? अब ये सोर्स तुम निकालो, ऐसी सुरंग खोदो तो सीधी नदीम के ऑफिस के अंदर जाओ। जी ठीक। एक ही ऑफिस में होते हुए भी बहुत कम मुलाकात हो पाती है। सर आप तो जानते ही हैं काम में जो इतना मसरूफ रहती हूँ, शायद इसीलिए। हाँ लेकिन नदीम के ऑफिस जाने के लिए टाइम मिल जाता है आपको? सर उनके रूम में जाना, उनसे बात करना, कन्वर्सेशन करना, ये सब मेरी ड्यूटी का हिस्सा ही तो है।
कभी कभी ड्यूटी से थोड़ा वक्त हमारे लिए भी निकाल लिया करो। मेरा मतलब है कि मेरा बहुत दिल चाह रहा था आपके साथ किसी अच्छी सी जगह जाके कॉफी पीने का। तो सर आपने पहले क्यों नहीं कहा, हम चले चलते? डर रहा था कहीं आप इनकार ना कर दें, बहुत दुख होता मुझे। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, आप मेरे मौसिन जो हैं। तो फिर आज शाम डन? डन, जैसे आप कहें। थैंक यू सर। अब अगर प्लान हो गया हो तो सिग्नेचर भी कर दे, मुझे फाइल भिजवानी है। या शो। वैसे अभी तक नदीम सर नहीं आया आज, शायद उन्होंने आना नहीं है। हाँ अमूमन इतला दे दिया करता है, अभी तक कोई कॉल तो नहीं आई। तो यहाँ याद आया, आंटी आई हुई है ना? आंटी? नदीम सर की आंटी आई है? नहीं, नदीम की मदर। ओ, फिर तो वो नहीं आएंगे शायद। Maybe. तुम लोग पहली दफा कहाँ मिले? ये मोहब्बत की इब्तिदा कहाँ से हुई? स्टेशन पर। और आपको पता है, नदीम की फीलिंग्स वन साइडेड थी। अच्छा, तो फिर क्यों की तुमने उससे शादी अगर फीलिंग्स नहीं थी तो? ऐसी बात नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता नदीम की मोहब्बत ने मेरे दिल में जगह बना ली थी। मुझे ये लगता है जैसे नदीम खुश नहीं है, लेकिन वो मेरे सामने ये जाहिर करता है कि वो खुश है। वो आपके सामने क्यों नाटक करेंगे कि वो मेरे साथ खुश है? तुमसे शादी करने के लिए उसने बहुत से लोगों का दिल दुखाया, ऐसी सूरत में आदमी खुश ना भी हो तो यही जाहिर करता है कि वो खुश है, क्योंकि अपने किए हुए गलत फैसले का इल्जाम वो दूसरों को तो नहीं दे सकता। तो आपको लगता है कि वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि हम खुश हैं? नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। अम्मी, इस मैरिड लाइफ में प्रिटेंड नहीं कर सकते, कुछ ही दिनों में हकीकत खुल के आपके सामने आ जाती है। और अभी तो आप कुछ दिन हैं हमारे साथ, आपको भी अंदाजा हो जाएगा। चलो, मुझे खुशी है कि तुम लोग अपने फैसले से मुतमईन हो। हम सिर्फ मुतमईन नहीं, बहुत खुश भी हैं। अब इतना अरसा हो गया शादी को, अभी तक कोई खबर ही नहीं सुनाई तुमने। कितना अरसा, अभी कुछ मंथ्स तो हुए बस। फिर भी बस आप दुआ करें। दुआ तो हम करते ही हैं, लेकिन तुम एक काम करो, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, ये बहुत जरूरी होता है। और खासकर तुम्हारी सिचुएशन में और भी जरूरी होता है। अरे आओ हया, मैं अभी सोच ही रहा था तुम्हें बुलाने का। जी बैठो। जी सर। ये एक नया कॉन्ट्रैक्ट है, आई वांट यू टू लुक एट इट और बताएं कि आपका क्या ख्याल है, हमें ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहिए या नहीं। श्योर। सर ऑफर तो बहुत अच्छी है, मगर सर यू नो व्हाट, हमें जो ये कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं इसकी वजह ये है कि हमारी कंपनी का मार्केट में नाम और साख बहुत अच्छी है। अगर हम अपने कंपनी के नाम पे काम करेंगे तो आई गेस इस तरह के बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे जिनकी फाइल्स आपके टेबल पे मौजूद रहेंगी। लेकिन अगर हम कॉन्ट्रैक्ट्स के पीछे भागते रहेंगे तो मेरा ख्याल है कि कंपनी की साख और काम नाम सभी खराब होगा। तो आई थिंक कि अभी किसी भी नए कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से ज़्यादा अच्छा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट इन प्रोसेस है या इन प्रोग्रेस, उसी पे हम ज़्यादा तवज्जो दें। थैंक यू मिस हया। माय प्लेजर। सर ये एक फाइल है, अगर प्लीज आप इसे गो थ्रू कर लें। उस्मान ट्रेडर्स। श्योर। सर मैं जा सकती हूँ? श्योर। थैंक यू। जी सर, आपने मुझे बुलाया? जी मिस अरिश, ये टाइप करके भी लाए। मगर अभी तो मैं जा रही हूँ, अगर आप कहें तो मैं कल करके लाके देती हूँ।
बॉस के साथ जा रही हो? ये बात आपसे किसने कही? 5 साल हो गए मुझे इस ऑफिस में, हर बात जानता हूँ मैं। और वैसे भी जिस सीट पे तुम बैठी हो, हर 2 महीने के बाद उस पे कोई नई लड़की होती है। आज तुम हो तो कल कोई और। आप जानते हैं ना ये आप क्या कह रहे हैं? अब हसबे मामूल ये बात भी जाके तुम सर शहरयार से कहोगी, लेकिन अब इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए सर, आप मुझे खुल के बताइए क्या बात है। देखो सरेश, तुम मुझे अच्छे खानदान से लगती हो, इसलिए जब तक इस ऑफिस में हो अपने काम से काम रखो, और ये पार्टी वगैरह पे जाने का काम तुम जैसी लड़कियों का नहीं। मैं ये आपको अभी करके लाके देती हूँ। That's good. अब ये टाइप करके आप सिग्नेचर के लिए मेरे पास ले आना और सर को दे देना। जी सर। ओके। चले? किधर? अभी तो जाने का टाइम नहीं हुआ। आप शायद भूल रही हैं, आपसे इस नाचीज के साथ एक कप कॉफी पीने का वादा किया था। ओह नहीं, मैं बिल्कुल नहीं भूली। आई रिमेम्बर, यू जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, मैं अपना बैग। हेलो, आप अभी तक ऑफिस में? जी जनाब, और मैंने कहाँ जाना है। नदीम, आज तो जल्दी आ जाते हैं, आपकी मम्मी क्या सोचेंगी। ओह अच्छा, यानी कि आप मम्मी की वजह से कह रही हूँ। मैं समझा शायद आप मुझे मिस कर रही हैं। अब आप ना कोई भी बहाना बना के आ जाएं जल्दी से, मैं वेट कर रही हूँ आपका। ओके जी, मैं आ रहा हूँ। अच्छा सुनो, आई लव यू। आई रियली लव यू। पागल हो गया क्या? दिन में मेरे और काम भी होते हैं, और तुम्हें तो पता है कि मेरी ऐसी पार्टियां रात को ही तो होती हैं। और हाँ, मेरे वहां पर आते ही वहां से दफा हो जाना। पति ना भी हुई तो क्या कर लेगी? मैं कौन सा उसे अगवा करके लाया हूं? अपनी मर्जी से ही तो आ रही है। जिस सीट पे तुम बैठी हो, हर 2 महीने के बाद उस पे कोई नई लड़की होती है। आज तुम हो तो कल कोई और। दिल एक खिलौना था, दिल एक खिलौना था। मैं माहिन के पास जा रहा हूँ, वो वेट कर रही होगी। शादी के बाद बेटों को वैसे बीवियों की फिक्र होती है। माँ की मोहब्बत, माँ का इंतजार, इन सब पे बीवियों की मोहब्बत गालिब आ जाती है। आंटी, हमारी शादी से खुश नहीं है। मेरे ख्याल से दूसरों की मायूसी और ख्यालात की फिक्र करने के बजाय तुम्हें मेरी मोहब्बत को देखना चाहिए। मैं आज तक नहीं समझ सका ऐसी कौन सी जिम्मेदारियां हैं जो आपको शादी से रोकती हैं। जब वो सब हो जाएगा ना, तो आपको भी पता चल जाएगा। जीवन में खुशियों के दिन कितने थोड़े थे, आंखों ने आंखों से क्यों रिश्ते जोड़े थे।